मातरम फिफ्थ स्टैंडर्ड हम देखेंगे एनवायरनमेंट। लास्ट टाइम हमने देखा पेज 27 तक फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको वीडियोस भी भेजे हैं, आपने उनका थोड़ा सा आचरण विचरण किया होगा। लेसन बड़ा ही इजी है, इसमें बच्चों हमको नए नए विविध प्रकार के टेस्टिंग के विषय में दी गई है जानकारी। यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल है आप देख रहे हो, जिसका नाम है झम्पा। ठीक है, और उनकी सहेली है, ओके, वो उनको दे रही है रोटी और उनको कह रही है कि इनको टेस्ट करके आपको बताना है, सरोज। तो यहाँ पे दिया गया है कि झम्पा क्या कर रही है, उनको टीज किया जा रहा है और यहाँ पे उनको विविध प्रकार की बातें दी गई है टेस्ट करने। तो यहाँ देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में सरोज दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये आपको मुझे बताना था कि यहाँ पे पुलन दिया है सेट टू झम्पा झुम्पा, लेकिन आपको यहाँ पे दिया है सरोज सेट टू हैंसी दैट लेट्स प्ले। तो थोड़ा नाम इधर उधर है तो आप देख लीजिएगा, बाकी स्टोरी और उसका मटेरियल एक ही है। यहाँ पे सरोज दिया है हमें कि वो जैगरी पिक कर रही थी तो उन्होंने बोला कि इनके मुंह में क्या रखा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे मुंह में तो जैगरी है ना, क्योंकि वो स्वाद कैसा था, ना बिटर था ना सॉल्टी था, वो स्वीट था। ठीक है, और अगर करेला वो रख देते तो उनको बिटर लगता, मतलब कड़वा सा लगता। तो यहाँ तक हमने एक दूसरे को समझाया है और ये लेसन को समझा है। बच्चों क्लोज योर आईज एंड टेल, देखो आपने यहाँ जीभ बाहर निकालनी है और जीभ के अनुसार आपको पता चलेगा कि कौन से आपके जो पार्ट्स है उससे आपको हेल्प होता है खाने में। तो जैसे लिप्स है, मुंह है, रूट है आपका, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एड ऑन हो सकती है। ऑन वन टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन द अदर माउथ अंडर द टंग एंड द लिप्स ऑफ द रूफ एंड डिड यू गेट एनी अदर टेस्ट। तो ये कह रहे हैं, आपको कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो हाउ डू इट टेस्ट। कुछ भी आपको फूड सपोज दिया है, ठीक है, तो वो टेस्ट कैसा कर रहा है, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा संशोधन करना है। लेबल द पार्ट्स ऑफ योर टंग, देखिए यहाँ पे, और टीचर आपको इनकरेज करती है कि आप अच्छे से अच्छे क्रिएटिव फ्लेवर्स खा सको, क्योंकि अभी उम्र है आपकी खाने की, फिर हम जब उम्र ढल जाती है तो इतना नहीं खा पाते हम लोग, लिमिटेड आपके फूड्स हो जाते हैं। जैसे आजकल आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हो, तो बूढ़े लोग बेचारे नहीं इतना खा सकते, क्योंकि मैदा उनको रेजिस्ट नहीं कर सकता, है ना, तो उनके लिमिटेड होते हैं। जैसे चूर के दाल रोटी खा ली, चूर के दूध रोटी खा ली, तो ऐसा फूड लेते हैं जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। तो डाइजेशन ईजी करने के लिए हम ये कचुम्बर है, फिर हमारा अनियंस है, टमाटोज है, आंवला है, ये सब भी बहुत अच्छा होता है आंखों की रोशनी के लिए और आपके डाइजेशन के लिए। तो ये भी बातें आपको थोड़ा सा रिकवर करना है। सौंफ जो होती है वो आपके पेट में ठंडक सी डालती है। तो यहाँ थोड़े नाम बदले हैं, बाकी टेस्ट के विषय में बातें और जानकारी आपको दी है जो आपको लिखनी है और समझनी है। ठीक है, यहाँ पे है मकई खाने वाला बच्चा, देखिए बहुत अच्छे से वो पेज नंबर 26 पे आपके पेज पे दिया है। तो ये सब हमने स्टडी कर दिया था कि बच्चों जब हम मकई खाते हैं तो सादी हमें नहीं भाती है, बट हम उनको जला के बुन के फिर हम उनको बॉईल करके खाते हैं नमक मिर्ची डाल के, तो हमें बड़ी
इंटरेस्टिंग लगती है। तो जीवन भी ऐसा है, सादा जीवन होता है तो किसी को नहीं पसंद, बट हम जल बुन के तैयार होते हैं, पढ़ लिख के तैयार होते हैं, तो सबको हमारा वेटेज होता है, वैल्यू होता है। तो ये चीज़ होती है मकई के दानों की और मकई की। तो जब आप मकई खाते हो तो आप च्यू करते हो बच्चों, तो च्यूइंग में आपको पता चलता है कि नहीं मैम, हमने अच्छे से च्यू किया है और ये टेस्टी भी है और इसका फ्लेवर भी जितनी बार हम च्यू करते हैं उतनी बार बदल रहा है। तो हैज़ एनीवन टोल्ड यू ईट स्लोली, क्या आपको बोला गया है कि आप खाना धीरे धीरे से खाइए, ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाइए, जैसे ग्वावा है ना, तो ये चीज़ें जब आप खाते हो, जैसे पोपट खाता है तो वो भी चबा चबा के खाता है, क्योंकि उनकी जो बीज होती है वो कही रहे कि आपको हार्म न करे बच्चों, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो हाउ डज द सलाइवा डू इन आर माउथ, तो ये सलाइवा कैसे होता है, सलाइवा जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो काफ़ी सलाइवा मेरे इर्द गिर्द लेफ्ट राइट में जमा है, अब मैं कुछ खाऊंगी तो वो हेल्प करेगा च्यू करने में, जितना च्यू करेगा बच्चा बुढ़े कोई भी इंसान उतना डाइजेशन के लिए अंदर जाने में काफ़ी हेल्प होता है। अभी देखो यहाँ चमेलियन का भी एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे उसको लंबी जीभ हो जाती है तो ऐसे इंसानों को भी कुछ देख के मुंह में पानी आ जाता है बच्चों, तो ये चीज़ है। तो आप जब स्कूल आओ तब हम आपको एक्टिविटीज़ कराएंगे जिसमें हम डाइजेशन का सिस्टम एक तो लर्न करेंगे, आप सबको बता पाएंगे, आप हमारे नन्हे डॉक्टर होंगे कि किस तरह से खाना यहाँ पे पचन होता है, हमने देखा है आगे, तो इस तरह से आप ये सिस्टम में दिखा पाओगे कि खाना अन्न नली के अंदर से आता है और आपके यहाँ पे ये पूरा कंडेंस्ड होके इस तरफ ये पूरा प्योरीफाई करके फिर एक इंटेस्टाइन के द्वारा, बड़ी स्मॉल बिग इंटेस्टाइन के द्वारा फिर वो एनिस में से निकल जाता है। तो ये बड़ी सुंदर रचना है भगवान ने तराशी हुई बच्चों, जिससे हमको पता चलता है कि हमने कितना खाना खाया है, कैसे खाया है, वो चीव होके कितना ब्यूटीफुली बाहर जा रहा है, और ये जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें ब्लॉकेज और बहुत ज़्यादा अन्य बीमारी भी लपक सकती है। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू डेज, वेयर डू यू थिंक वाटर विद ड्रिंक गोस, तो ये आपको यहाँ बताना है कि अगर आपने सही से खाना नहीं खाया या आप हंगरी हो तो आपको पहले सर दर्द होगा, फिर आपको हंगरी फील करेंगे, फिर आपकी छोटी बहन होगी या कुछ वो रोएगी तो वो आपको अंदेशा देगी कि अभी मुझे बहुत ही भूख लगी है, डॉगी भी होगा वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्या आप भूल ना जाओ, इसलिए थोड़ा रिवीजन करवा दिया आपको 6 मिनट का। अभी आगे देखेंगे नीतू जो है हमारी, यहाँ पे आपको नीतू दिया है बट यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो सानिया वॉज गिविंग दी ग्लूकोज ड्रिप। कब देते हैं, जैसे मान लो मैं रोज़ सुबह शाम नौकरी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ और मैं अपने आप को ध्यान नहीं दे रही, अब थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, भाग लिया है ना, दौड़ लिया, ऐसे कर लेते हम लोग तो अच्छे से सो नहीं पाते, तो फिर हमें क्या होगा, बहुत वीकनेस फील होगा और हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे और यहाँ वहाँ हम दौड़ पाएंगे तो वॉमिट हो जाएगा, खाने में पचन होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमको। सानिया वॉज वेरी सिक द होल डे, शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड डायरिया, तो उसको डायरिया भी हो रहा था, खाना पेट में पानी भी पच नहीं रहा था बच्चों। तो ये छोटे होते हैं तो हमें मज़ा आता है कि हम इस तरह से बैठ जाएंगे घर पे, तो बट कि सच में बहुत ही चिंता की बात है, उसके डैड उनको शुगर दिया, सॉल्ट दिया, सोल्यूशन दिया कि बच्ची का कहीं ना कहीं ये बंद हो जाए, क्योंकि पूरा बॉडी का पानी से लूज़ हो जाता है।
तो उनको फिर सानिया को क्या हुआ, वीकनेस हुआ, बहुत ज़्यादा डिजी फील लगने लगी, चक्कर आने लगे उनको, है ना। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। द डॉक्टर सेड दैट सानिया वुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उन्होंने बोला कि अभी तो इनको ग्लूकोज ड्रिप ही देना है, नहीं तो समझो कि ये गए काम से, है ना। फिर उन्होंने गेम्स के पीरियड के वक्त उन्होंने टीचर ने भी उनको ग्लूकोज का पानी दिया। हमारी टीचर्स होती है ऐसे नहीं कि मम्मा ध्यान दे, टीचर्स भी ध्यान देती है ना। बट व्हाट द ग्लूकोज ड्रिप, डॉक्टर एक्सप्लेन, योर स्टमक इज अपसेट एंड योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड और वाटर एंड इट टेक्स वेरी वीक, है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आप कुछ भी खान पान नहीं ग्रहण कर रहे हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन आफ्टर ईटिंग, तो आप खाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो डू यू हैव रिमेंबर द क्लास फोर द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड जो हमने पढ़ा बच्चों, क्या आपको वो पता है सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कब देते हैं। Someone who is vomiting or loose motions, किसको हो रहे? Have you ever heard the word glucose or seen in the written or anything where? तो क्या आपने ये glucose word सुना है? हाँ मैंने सुना है। जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम अच्छे से खाते नहीं है तो glucose का ये चीज़ हमको help करता है, किसमें, एनर्जी लाने में, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे कोई ग्लूकोज की चॉकलेट्स हो, तो वो सब हमको इनबिल्ट स्ट्रेंथ देती हैं। तो आज 28 पेज में हमने इतना ही देखा, रिवाइज़ किया। अब हम नेक्स्ट पेज 29 पे और कवर करेंगे कि किससे खाने से कितने फ़ायदे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।